हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि चेक। तो आज हम लोग बात करेंगे छह ऐसी मूवी के बारे में जो कि पैन इंडिया रिलीज होने वाली है, और उस मूवी के रिलीज होने के बाद हमारे बॉलीवुड स्टार का, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का क्या हाल होने वाला है वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी छह मूवी है और आप लोग इन फिल्मों के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं आपको इन छह फिल्मों का नाम पहले आपको बता दूं। सबसे पहला केजीएफ चैप्टर 2, दूसरी है रॉबर्ट, तीसरी है आरआरआर, चौथी है कब्जा, पांचवी है मराकर और छठी है पुष्पा। तो ये छह की छह फिल्मों के लिए पर्सनली मैं जितना एक्साइटेड हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग उससे कहीं ज्यादा एक्साइटेड हो। तो ये वीडियो मैं स्पेशली सिर्फ वो फैंस के लिए बना रहा हूँ जो मतलब कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सारी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और ये सारी अलग अलग इंडस्ट्री की आपको ये फिल्में देखने को मिलेगी जो कि इसी साल और अगले साल, यानी कि ये दो सालों में रिलीज होगी। और ये दोनों साल में जब ये फिल्में रिलीज होगी तो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को डेफिनेटली इफेक्ट करेगी, क्योंकि बिजनेस वाइज देखा जाए तो साउथ की फिल्में आजकल बहुत ज्यादा चलती, और अगर आप देखोगे 2020 में तो सबसे ज्यादा अगर मच अवेटेड है तो वो साउथ की मूवी जैसे केजीएफ चैप्टर 2 है। देखिए केजीएफ चैप्टर 2 एक कन्नड़ा मूवी है, और केजीएफ चैप्टर 1 के आने के बाद किस तरह से केजीएफ चैप्टर 2 ने ना सिर्फ अपने आप का लेकिन पूरी की पूरी इंडस्ट्री का नाम रोशन किया था वो तो आपको सबको पता। और आज की तारीख में केजीएफ चैप्टर 2 के जितने ज्यादा फैन है उतना किसी भी और फिल्म के लिए नहीं है, इवन आरआरआर के भी ज्यादा फैन केजीएफ चैप्टर 2 के, और केजीएफ चैप्टर 2 के इतने ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं कि मतलब आप बुक माय शो पे देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाए कितने लोग इंटरेस्टेड है। दूसरे नंबर पे है हमारी आरआरआर, ये मूवी एसएस राजामौली सर की है। उसके अलावा इसमें हमें एनटीआर, साथ साथ हमें रामचरण देखने को मिलेंगे, प्लस में अजय देवगन, आलिया भट्ट, यानी कि आपको बहुत ही बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिलेगी, और साथ साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट डायरेक्टर जो कि बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी जबरदस्त फिल्म बनाई थी। और मैं आपको बता दूं बाहुबली का रिकॉर्ड आज तक किसी भी फिल्म ने नहीं तोड़ी, लेकिन केजीएफ चैप्टर 2 इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। उसके अलावा तीसरी मूवी की बात करूं तो मैं बात करूंगा रॉबर्ट, जो कि कनाडा मूवी है। रॉबर्ट मूवी फिलहाल सिर्फ कनाडा और तेलुगु लैंग्वेज में ही रिलीज होगी, लेकिन मेकर ने साफ कह दिया कि अगर ये मूवी इन दोनों वर्जन में चलती है तो डेफिनेटली लोग हिंदी में रिलीज करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से 100% ये मूवी कनाडा और तेलुगु लैंग्वेज में चलेगी और उसके बाद ये हिंदी में भी देखने को मिलेगी। चौथी मूवी की बात करूं तो ये मूवी है मराकर। मराकर मूवी एक मलयालम मूवी है दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं। मोहनलाल सर के अलावा आपको अर्जुन सरजा और सुनील शेट्टी भी नजर आते हैं, और मैं आपको बता दूं ये एक पीरियोडिक फिल्म होने वाली, और जिस तरह से इसका ट्रेलर लोगों के बीच में एक बस क्रिएट किया ना, तो मतलब डेफिनेटली ये फिल्म भी चलेगी और ये फिल्म भी एक पैन इंडिया रिलीज होने वाली। तो देखना है कि ये क्या रिलीज होने के बाद थग्स ऑफ हिंदुस्तान बनेगी या पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन बनेगी, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। उसके बाद जो पांचवा नंबर है वो है कब्जा। कब्जा मूवी एक कन्नड़ा मूवी, मैं आपको बता दूं कब्जा मूवी में हमें नजर आने वाले उपेंद्र सर। उपेंद्र सर एक लेजेंड है कन्नड़ा सिनेमा के, और वो एक ऐसे डायरेक्टर है, मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो टॉप 50 बेस्ट डायरेक्टर में उनका नंबर आता है 17 पे, तो आप सोच लो कितनी जबरदस्त फिल्म डायरेक्ट की, और वो बहुत ही अच्छे एक्टर भी है। उन्होंने फाइनली अनाउंस कर दिया कि कब्जा मूवी रिलीज होगी, और कब्जा मूवी आपको मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, मतलब हमारे इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज है सारी लैंग्वेज में आपको कब्जा देखने को मिलेगी। कब्जा में भी आपको बड़े बड़े स्टार्स देखने को मिलेंगे, श्री उपेंद्र सर ही ने, उसके अलावा आपको बॉलीवुड के नाना पाटेकर, मनोज वाजपेयी, और अगर साउथ के बोले तो प्रकाश राज, जगपति बाबू, उसके अलावा और भी आपको मतलब उसमें तो समझ लो इतने जबरदस्त एक्टर है कि मतलब मुझे पर्सनली फील हो रहा है कि कब्जा मूवी भी 2020 की वन ऑफ दी बेस्ट ग्रॉसिंग मूवी होगी बॉक्स ऑफिस पर। अब आखिरी फिल्म की बात करें तो वो है पुष्पा। पुष्पा फिल्म की बात करो तो ये मूवी है अल्लू अर्जुन की। मैं बता दूं अल्लू अर्जुन की एक पहली मूवी है जो कि पैन इंडिया रिलीज होने वाली है। अल्लू अर्जुन कितने ज्यादा फेमस है लोगों में ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो एक स्टाइलिश एक्टर है, उन्होंने बहुत सारी हिट दी, लेकिन फाइनली अब वो उनकी एंट्री हो रही पैन इंडिया में, यानी कि उनकी ये जो फिल्म है पुष्पा ये आपको मल्टीपल लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा। उसके अलावा आपको इस मूवी में एक और सरप्राइज पैकेज अभी कन्फर्म हुआ नहीं, लेकिन वो सरप्राइज पैकेज है, उसका नाम है विजय सेतुपति। अब विजय सेतुपति तो जानते हो ना कितने जबरदस्त एक्टर है, अगर विजय सेतुपति और अल्लू अर्जुन एक ही फिल्म में होगा तो सोचो वो फिल्म किस तरह से बवाल मचाएगी। तो ये कुछ फिल्म है जिसकी वजह से ना बॉलीवुड एकदम सत्ते में आ चुका, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखो इनसिक्योरिटी क्या होता है एक्टर्स के बीच में होती है, और बॉलीवुड के एक्टर्स को पता है, स्पेशली यंगस्टर है उनको पता है कि जो साउथ के एक्टर है उनके जो लोगों के बीच में जो क्रेज है किस लेवल का है। तो इस वजह से जो डर है वो तो भाई बनता जा रहा है, और अगर ये फिल्में रिलीज होगी और ये फिल्में बहुत जबरदस्त चलेगी तो फिर डेफिनेटली कल को ऐसा होगा कि सारी की सारी साउथ की फिल्में आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, क्योंकि जो ऑडियंस चाहती है वो तो इन लोग करना पड़ेगा। अगर ये लोग ऑडियंस के अगर खिलाफ जाएंगे तो फिर डेफिनेटली जो हिंदी ऑडियंस है वो इनकी फिल्में देखना छोड़ देगी, और फिर सारी की सारी फिल्में वो डब में जाके देखेगी या तो फिर वो उन्हीं के लैंग्वेज देखेगी सब टाइटल के थ्रू। इतने जाहिल लोग नहीं रहते मुंबई में, इतने जाहिल लोग नहीं रहते जो हिंदी फिल्में देखते, इतना भी जाहिल अनपढ़ नहीं जो सब टाइटल के थ्रू समझ नहीं पाए। तो मेरा कहने का मकसद ये कि भाई मैं तो इन सारी फिल्मों के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोग इनमें से कौन सी फिल्मों के लिए एक्साइटेड मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मुझे पर्सनल ऐसा लगता है कि आप लोग केजीएफ चैप्टर 2 का नाम लोगे, लेकिन अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लो तो मुझे ये सारी की सारी छह फिल्में देखना है, क्योंकि
ये सारी फिल्मों के पीछे जो मेहनत लगी बनाने के लिए, चाहे वो स्पॉट बॉय हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डायरेक्टर, चाहे वो स्क्रीन राइटर हो, चाहे वो लिरिसिस्ट, मतलब जितने लोग हैं ना वो बहुत ही मेहनत करके इस फिल्म को बनाई। डेफिनेटली लगता है कि सारी की सारी फिल्में वाकई में एक पोटेंशियल लगती है कि पैन इंडिया रिलीज होने का। तो आप मुझे बताओ कि आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट मूवी है, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, तिल देन दुआ में याद रखना। मैं हूं राशि सिंह और आप सब अरहान एंटरटेनमेंट। तो तिल देन।